तो गाइज आपका वेलकम है इस नए ब्लॉग के अंदर। और गाइज आज हम लोग आए हैं गणेश जी की मूर्ति लेने। और देख लो अपने सारे भाई आ रहे हैं, प्लीज सपोर्ट करना और बहुत ज्यादा हमें और टाइम हम लोग ब्लॉग शूट। गाइज आज आपको हम दिखाएंगे हम गणेश जी की मूर्ति कहाँ से लेते हैं। देखो ये एरिया झंडे वालन का है, करोल बाग के पास एरिया पड़ता है झंडे वालन। हम लोग वहाँ आते हैं मूर्ति लेने। और चलो आपको आगे क्राउड दिखाते हैं, कैसा क्राउड है आप ये देख सकते हो। गाइज क्राउड देख लो, क्राउड बहुत देख लो, देख लो। मैंने माइक लगा रखा है क्योंकि शोर बहुत है। गाइज यहाँ देख लो। और मैं आपको मूर्ति के रेट दिखाऊंगा, मूर्ति के रेट क्या होने वाले हैं और नेक्स्ट लेवल है आपको इसका भी हिसाब देना। भाई भाई बहुत तेज है, मैंने माइक लगा रखा है। और एक बात तो बताओ मूर्ति कैसी है यहाँ पे। और गाइस आपको रेट भी एक बार दिखाते हैं हम कि क्या क्या रेट होने वाले हैं। एक बार आप मूर्तियां देखो, ये देखो मूर्तियां आप देखो, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां है। ये देखो आप, और दो टाइप की मूर्ति है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे डेकोरेशन चल रही है और गाइस दो टाइप की मूर्ति है, पीओपी की और इको फ्रेंडली। और गाइस अगर आप भी लेके आते हो ना गणेश जी की मूर्ति तो ज्यादातर प्रेफर करो कि इको फ्रेंडली लेके आओ, क्योंकि वो हमारे एनवायरमेंटली भी अच्छी होती है, डिजोल्व हो जाती है, पीओपी डिजोल्व नहीं होती। तो एक बार आपको रेट दिखाते आओ कि क्या क्या रेट होने वाले हैं। आ जाओ गाइस यहाँ देखो मूर्तियां ही मूर्तियां। ये देखो गाइस ये, और हम भी अभी अपनी मूर्ति लेने वाले हैं कि देखो ये सारी मूर्तियां आप देख सकते हो। वो साइज लेंगे ये वाला साइज गाइस ये कह रही है, देखो ये वाला हम लेंगे, ये परफेक्ट साइज है एकदम। और एक बार रेट पूछे क्या, और रेट पूछते एक बार। तो गाइस भैया मिल चुके हैं हमें, एक बार रेट पूछते हैं। भैया एक बार रेट बताओगे हमें, थोड़ी जगह तो यार हमें आने की, या तो जगह थोड़ी तो आने की, हमें जगह नहीं यहाँ पे। गाइस आप देख सकते हो भीड़ काफी है, थोड़ा आगे से चलते हैं और भैया से रेट पूछते हैं एक बार। भैया आगे थोड़ा आ जाओ। हाँ मैं कह रहा हूँ भैया एक बात बताओ, अपने पास इको फ्रेंडली मूर्ति कितने से होने वाली है। हमारे पास 200 से स्टार्ट है इको फ्रेंडली। हाँ कितने से, 200 से स्टार्ट है, 7000 तक है। सात हजार तक है। एक बार बताओ भैया कौन कौन सी रेट पड़ जाएगी, हमारे जो व्यूअर्स उनके लिए कुछ सस्ता बताना, देख लो डिस्काउंट करके। मैंने अभी भैया से ही मूर्ति में लेता हूँ, भैया आपको पता है मैं आपसे खरीदता हूँ मूर्ति हमेशा, और मैं आज भी आपसे लूंगा। तो मुझे बताओ कि क्या क्या रेट होने वाला, आप इनके बताओ एक बार। ये वाली आपको लग जाएगी 2200 रुपए की। ये 2200 रुपए की पड़ेगी। और ये वाली ये एक ही प्राइस की पड़ेगी। तो अच्छा लाइन सारी एक प्राइस की है। और एक बार ये बताओगे आप, ये वाली बड़ी वाली ऐसे मांगने में 7000 रुपए इसके और 5000 दोगे। ये वाली 9000 रुपए 7000 के दे साथ ही दोगे। अच्छा भैया ये पक्का इको फ्रेंडली होने वाली है ना। हाँ इको फ्रेंडली हो जाए, 5 मिनट घर पे सजा कर सकते हैं। कितनी देर में खुल जाएगी ये, 10-15-25 मिनट में का आधा घंटा, पूरी आधा घंटे में है। पक्की गारंटी है, पक्की बात है, कोई आधा घंटे के अंदर। ये कलकत्ता का माल है भाई, यहाँ कलकत्ता का माल है। हाँ कलकत्ता का माल आया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल पानी में आधे घंटे से पहले घुल पैक हो जाएगी। ठीक है ठीक है। और भैया अभी आप कब तक हो यहाँ पे। अभी हमारे समझो सोमवार तक, 12 तारीख तक, 10 तारीख तक यूँ है। अच्छा अभी तक यही हो। तो फिर एक काम करोगे मेरा, ये बोलो जो देख रहे सारे वीडियो को लाइक कर दो, देख रहे हो उस समय भाई सारे वीडियो देख रहे हो उसको लाइक कर देना पड़े भाई। ठीक है भैया, तो एक बार आगे आओ मार्केट दिखाते हैं। गाइस आपको दिखाता हूँ बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ, जिन भाइयों को अपने छोटी मूर्ति रखनी है ना, वो देखो कितनी छोटी सी है। ये देखो और ये इको फ्रेंडली है ये भी। एक बार इनके रेट पूछते हैं भैया से। भैया वो छोटी वाली मूर्ति कितने की है। छोटी वाली मूर्ति है वैसे 250 वाली है, 200 वाली है। अच्छा इको फ्रेंडली है। हाँ इको फ्रेंडली है ना, मतलब घुल जाएगी डलते ही, पानी में डालोगे वैसे हो जाएगी। गाइस आप देख सकते हो कितनी छोटी छोटी मूर्ति है।
और भाई धूम, बहुत धूम है यहाँ पे। वो देखो भाई बम फोड़ रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं, पूरा ढोल बज रहे हैं, मजा आ रहा है मतलब पूरे। और हाँ गाइस, एक सवाल मेरे को आपसे पूछना था। देखो ये जो आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, ये कल आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है? और अगर आप चाहते भी ऐसे ही हम लोग 11 दिन पूरा ब्लॉग करें, तो भाई देखो कमेंट करके बता देना। अगर आप कमेंट करोगे ना, तो मैं पूरे 11 दिन का ब्लॉग अपने घर की मस्ती मजाक सब कुछ आपको चैनल पे डाल दूंगा। और अब जरा हम अपनी मूर्ति परचेज कर लेते हैं एक बार, है ना? आपको कल दिखाएंगे वो अभी नहीं दिखाएंगे गाइस, नहीं ब्लॉग तो आज नहीं होगा, वो घर जाके जो आधा ब्लॉग घर जाके शूट होगा सुबह का, उसके बाद आपको देखने को मिलेगी। एक बार गाइस आगे दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई ढोल देखो, लाइट वाले ढोल है, लाइट वाले, ये देखो क्या बात है गाइस। एक बार मैं आपको बड़ी मूर्ति दिखा रहा हूँ, ये देखो अभी आप देख सकते हो, देखो कितनी सुंदर मूर्ति है, देखो ये प्रॉपर डेकोरेशन कर रखी है इन्होंने। और वो देखो गाइस, वो भाई क्या, देखो भाई सामने खड़ा है और उनकी आधी हाइट की मूर्ति है, ये देखो गाइस, ये सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां, बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्ति है, ये देखो। और हाँ गाइस, जितने अपने गणपति बप्पा के भक्त है ना भाई, कमेंट के अंदर जय श्री गणेश लिख देना और लाइक कर देना वीडियो को यार। और ये देखो मतलब बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशन कर रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी सो के उठ चुके हैं और 4:30 बज गए थे रात को सोने में, और अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं और तैयारी दिखाता हूँ आपको एक बार क्या चल रही है। देखो ये सामान अभी अभी आया है सुबह, और ये हमने कल दिखाता हूँ पीछे से आपको थोड़ा, ये देखो ये पूरा फ्रेम बनाया हमने, ये देखो पंडाल टाइप का, और ये रही गणेश जी की मूर्ति, और ये रही हमारी फिशेस, और इधर अपना चल रहा है नमो नमः। आगे की तैयारी दिखाता है भी आपको, जैसे जैसे होती है मैं आपको ब्लॉग में आगे आगे दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनल तैयारी चल रही है और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ऑलमोस्ट काम डन हो चुका है, बस पंडित जी गाने का बेटा। हाँ भाई कल तो साथ गई थी ना, मूर्ति कैसी लाए? बहुत अच्छी लाए, ठीक है डांस करेगी ना, ठीक है। गाइस यहाँ देखो सारी तैयारी हो चुकी है ऑलमोस्ट, और पंडित जी का वेट हो रहा है, और इसने बात करी। हाँ भाई सुन सुन, पंडित जी कितने देर में आ रहे हैं? 10 मिनट में। पक्की बात है भाई? 10 मिनट में पंडित जी आ रहे हैं, उसके बाद अपनी पूजा शुरू करते हैं और इनका मुकुट मतलब ये कपड़ा हटाते हैं, और फिर दिखाएंगे आपको कि मूर्ति कैसी है हमारी। भाई देख लो माहौल को ज़्यादा चल रहा है इस समय, और टाइम हो रहा है 1:08, और पंडित जी अब तक नहीं आए। भाई पंडित जी कब आएंगे? हैं राम जाने भाई, यार क्या करें, इधर आ लड़की बंदे में, इधर आ। पंडित जी कब आएंगे? हैं देर हो रही है, डांस करेगी ना तू? पक्की बात? अब तू बता दे, ये तो भाग गया भाई, इधर आ। अपनी वाली रील बची है, शूट करनी है अभी, पता है आज करनी है, इधर तो आ, बात तो सुन, बात तो सुन, जल्दी इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये क्या है ये तो बता दे, चांदी की चेन है बेटे, पैसा क्या कह रहे हैं? तो भाई फाइनली 1:14 पर पंडित जी आया हमारे घर के अंदर। पंडित जी तुम बहुत देर में आयो, आ जाओ बैठो। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ददा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तरो हरि अखंड मंडलाकारं व्याप्तामेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः सर्वा बाधा विरमुक्तो धनधान्यां सुतार्पिता मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशया सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वा बाधा विरमुक्तो धनधान्यसुतार्पिता मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।
ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेजा सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेजा सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। वस्त्रमुपस्त्रं समर्पयामि। ओं सुजातज्योतिका शेषनूथमस्वासुमिश्रूपाङ्गं सावयस्विभावसु आनन्दप्रफुल्लावत् शान्तिः प्रयच्छमि। वस्त्रमुपस्त्रं समर्पयामि। ओं काण्डात् काण्डात् प्रोहन्ति प्रभापरघस्वरि देवानो द्रव्यप्रणगो कुटीन शुभवः कामदुःखा। हाँ तो भाई लोगों, पूजा खत्म हो गई, मजा आया, पक्की बात है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बार बताओ, जब तक हम पूजा करेंगे 11 दिन तक, 11 दिन डेली ब्लॉग बनाए पक्का। तो भाई देख लो, अगर तुम कमेंट करोगे ना तो हम डेली ब्लॉग बनाएंगे 11 दिन, ठीक है। तो अब करना क्या है बता दो जरा। 500 कमेंट भाई, 500 कमेंट लड़की कह रही है, देख लो इस ब्लॉग में करने हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम लाइक करना। अब हम तुम्हें मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर, मतलब कल। आज ब्लॉग यही खत्म करते हैं। आखिरी में क्या बोलना चाहती है और गणपति बाप्पा।